दोस्तों नमस्कार, कृष्णा जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज शक्ति का न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि फिजिक्स इसी तरह पढ़ लेते हैं और न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं तो आपको संपूर्ण रूप से कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल्स को करना बहुत ही जरूरी है। और इस जितने भी जनरल साइंस का टॉपिक जिसे जो कोई एग्जाम में पूछा जाता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम रहे, एयरफोर्स, डिफेंस, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य एग्जाम रहे, जिसमें भी जनरल साइंस पूछा जाता है उसके लिए यह टॉपिक काफ़ी ही मददगार साबित होगा। तो आज हम चार पांच महत्वपूर्ण शक्ति का न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम घोड़ा से शुरू करेंगे। एक घोड़ा है जो कुछ बल लगाता है ना, घोड़ा देखते हैं कि बल लगाकर गाड़ी को खींचता है, घोड़ा गाड़ी को खींचता है। जब गाड़ी को खिंचाता है तो वेग आ जाता है ना, वो खिंचाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें वेग आ जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि बताइए घोड़ा का शक्ति क्या है। पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। एक घोड़ा 100 न्यूटन बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, 100 न्यूटन का बल लगाकर के वेग से घोड़ा गाड़ी को ले जाता है। तो बताएं घोड़ा की शक्ति क्या है। क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो पहले राइट डाउन कर लीजिए जो जो चीज आपको दिया हुआ है और जो चीज आपसे पूछ रहा है। तो दिया हुआ क्या है, बल दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एफ है, और एफ कितना है तो 100 न्यूटन है। ये तो बहुत अच्छा चीज है, एसआई मात्रक में दिया हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं है, खाना है जो लगभग रेडी है बल के मामला में। चलिए आगे देखते हैं। ये है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि वेग को दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा कर दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। इसको एसआई मात्रक में, जो किलोमीटर को आपको मीटर में बोलना होगा और घंटा को सेकंड में करना होगा। तो यहाँ पे जो वेग है वो वेग कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आप कर सकते हैं 36 गुना 5/18 है ना, 5/18 इससे किलोमीटर जो घंटा है वो मीटर सेकंड में आ जाता है। और 5/18 आप लोग जानते होंगे किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और एक घंटा में 3600 सेकंड होता है। बस वही काम कर दिए हैं। ठीक है, कैंसिल कीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, मर गया तो अंतिम आपको बचेगा 5/18। हम डायरेक्ट इतना नहीं लिखे 3600 इस तरह से कुछ नहीं लिख कर डायरेक्ट है जो क्या कर दिए हैं, डायरेक्ट है जो 5/18 कर दिए हैं, इससे मीटर सेकंड आ जाएगा। चलिए 18 × 36 बराबर कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। लीजिए वेग भी आ गया आपका और वो भी एसआई मात्रक में है। आपसे पूछा गया है पी का फॉर्मूला, तो पी बराबर होता है W/T। ये तो नहीं आपसे हुआ, 2-3 फॉर्मूला आपको बताया गया है। यहाँ पे पी बराबर जो होगा F/V है ना, बल गुना वेग हम अपने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाए हैं। ठीक है, उसे भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा समझ आए। तो बल दिया हुआ है, तो बल है जो 100 दिया हुआ है और वेग भी दिया हुआ है और वेग है जो 10 है, तो 100 × 10 = 1000 वाट है ना,
1000 ये बात आ गया। चलिए क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। घोड़ा कोई दौड़ेगा तो समझ जाइएगा कितना बल लगा रहा है और कितना उसमें वेग है, उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 60 किलो का एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर का सीढ़ी, ठीक है, उस पे चढ़ रहा है और ऐसा 100 सीढ़ी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के 100 सीढ़ी को चढ़ रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि वो व्यक्ति है जो सीढ़ी चढ़ने में कितना शक्ति लगाया। व्यक्ति जो 60 किलो का है अर्थात आप कह सकते हैं न मोटा होगा न ही ज्यादा पतला होगा, तो 60 केजी नॉर्मल, अब ये नहीं कर दीजिएगा सर वो बच्चा था 60 किलो है बहुत भारी हो गया होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो 60 किलो का क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। 60 किलो का एक व्यक्ति, 60 केजी का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की सीढ़ी की 10 सेंटीमीटर की 100 सीढ़ी चढ़ने में एक मिनट का समय लगाता है। बताएं उस व्यक्ति की शक्ति क्या है, बताएं उस व्यक्ति की शक्ति क्या है। ठीक है, कुछ इस तरह से खोज लीजिए। आपका जो की पॉइंट दिया हुआ है यहां पे 60 किलो दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर का 100 सीढ़ी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और आपसे शक्ति पूछा जा रहा है, तो पहले राइट डाउन कीजिए। आपको मास दिया हुआ है और मास है 60 केजी, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसा ही मात्रक में है। मन गदगद हो जाता है जब एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है जो अपने लय में चलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब 10 सेंटीमीटर का 100 सीढ़ी है, एक प्रकार से आपका क्या हो गया, एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया हाइट, सीढ़ी का होगा ना, सीढ़ी का अपना क्या है, हाइट है। एक सीढ़ी है जो 10 सेंटीमीटर का है, जो 10 सेंटीमीटर का है और इसी तरह से 100 सीढ़ी है, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि हाइट बराबर 10 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है और टोटल कितना हो गया 100 सीढ़ी है, तो 10 × 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर। और ये जो सेंटीमीटर एसआई मात्रक लंबाई का या ऊंचाई का नहीं है, तो जो एसआई मात्रक है वो मीटर है, और आपको मालूम होगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर है, तो 1000 तो कितना हो जाएगा टोटल 10 मीटर है ना। 1000 को यदि 100 से भागा दीजिएगा तो आपको कितना जाएगा 10 आ जाएगा, वही किया हुआ है यहाँ पे, ये आपका हो गया, तो एम भी मालूम हो गया, एच भी मालूम हो गया, और उसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है, तो और आपको समय दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, और टी है 1 मिनट का है, इस एक मिनट को आप सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि ऐसा मात्र सेकंड होता है न कि मिनट होता है, यहाँ पे 60 सेकंड। अब आपको शक्ति का फॉर्मूला मालूम करना होगा, तो यहाँ पे जो शक्ति का फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, पी बराबर mgh अपॉन टी है ना, क्योंकि आप देखेंगे कार का भी फॉर्मूला कभी कभी mgh बनता है, ठीक है ना, mgh है जो बनता है, उसी आधार पे कार्य बटा समय, जब गुरुत्व के अधीन जब होता था कार्य तो एमजीएच से ही क्वेश्चन है जो सोल्व किया जाता है। ये सब जितने भी हम बात कह रहे हैं उसे पीछे वाला वीडियो में दिया हुआ है,
वहां से भी देखिएगा तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए mgh upon t दिया हुआ है तो नोट डाउन कर लीजिए, मास है जो 60 केजी है तो 60 कर दीजिए, g का मान हम अभी रख रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा 9.8 रहे या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ए जी का। तो हम यहाँ पे जी है जो 10 है और ऊंचाई कितना है 10 मीटर का है और समय कितना है तो 60 सेकंड का है, ये 60 से 60 मर गया तो टोटल आपका कितना हो गया 100। और आप शक्ति बना रहे हैं, शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है तो 100 वाट, 100 वाट। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो सोल्व हो गया। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगर क्या करते हैं कि हर एक घर में मोटर लगा हुआ रहता है और मोटर क्या करता है पानी को खींचता है ना, पानी खींच कर छत पे जो टंकी है उस पे भरता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोटर की शक्ति बताएं। तो जब भी ग्रुप गुरुत्व के अधीन जब रहेगा तो शक्ति उसी तरह से कीजिएगा mgh अपॉन टी से बनाइएगा तो आपको बन जाएगा। वो क्वेश्चन का प्रकृति देखा जाता है बच्चों, क्वेश्चन का प्रकृति देखा जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है, उस आधार पर आप बना सकते हैं। एक घोड़ा का भी हम केस बताए थे तो घोड़ा में भी mgh से नहीं बना सकते हैं जबकि मोटर वाला केस में आराम से बना सकते हैं। या एक व्यक्ति को दिखाए थे कि वो सीढ़ी चढ़ रहा है तो mgh का केस है जो यहाँ पे लागू होता है। तो चलिए मोटर की शक्ति अब ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस मोटर की शक्ति ज्ञात करें, शक्ति ज्ञात करें जो 1000 केजी, जो या 100 केजी दे देते हैं है ना, 100 केजी पानी को 19 मीटर ऊंची टंकी, 19 मीटर ऊंची टंकी को 25 सेकंड में भरता है, 25 सेकंड में भरता है तो बताएं। अच्छा तो मोटर की शक्ति बताएं है ना, ये दिया हुआ है। तो चलिए जो जो आपको इंफॉर्मेशन दिया हो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 100 केजी आपका द्रव्यमान है, यहाँ पे हाइट आपको दे दिया गया है, यहाँ पे समय दे दिया गया है तो बस गुरुत्व के अधीन जो होता है उस आधार पे आप बना सकते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है p बराबर mgh अपॉन t है ना, और मास कितना आपको दिया हुआ है तो मास दिया हुआ है 100 केजी, यहाँ पे 100 g, तो g है जो 10 लेकर बना लीजिए, ठीक है 10 या 9.8 यही चलता है तो 10 लीटर बना लीजिए और हाइट भी दिया हुआ है और हाइट है 19 मीटर और बटा कितना कीजिएगा बटा 25 सेकंड है ना, टाइम दिया हुआ है तो 25 सेकंड। चलिए कैंसिल कीजिए तो 25 चक्कर 100 तो आपको कितना हो जाता है 76, 76 और 0 मतलब 760 वाट। मतलब वो मशीन है जो मोटर है जो 760 वाट की शक्ति लगाया है ना। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कभी कभी देखते होंगे कि तालाब में पोखर में है जो क्या होता है मोटर है जो पानी उसे निकालता है। तो अगला क्वेश्चन हम उस तरह से आपको दे रहे हैं, देखिए अलग अलग तरह का वैरायटी का क्वेश्चन देख लेने से कभी भी एग्जाम में कोई धोखा नहीं होता है। तो क्वेश्चन लिखते हैं 373 मीटर गहरे तालाब से एक मोटर
360 केजी पानी 30 मिनटों में निकाल रहा है। तो बताएं उस मोटर की शक्ति क्या है। ठीक है, चलिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे 373 मीटर, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ये आपका एच दे दिया है यहाँ पे 360 केजी, तो ये आपका मास हो गया, सबका मात्रक से ही पता चल जाता है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे 30 मिनट, ये आपका टाइम हो गया, सबको नोट डाउन कर लीजिए। पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं एम से, है ना, तो मास आपका 360 केजी। आगे देखते हैं, हाइट को देखते हैं, तो हाइट कितना है, तो हाइट है 373 मीटर। आगे देखते हैं कि समय है, और समय है 30 मिनट, टाइम 30 मिनट। इस 30 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 30 गुना 60 करना होगा, है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 30 गुना 60 बराबर 1800 सेकंड। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, और फॉर्मूला आपको क्या बताए हैं, इस केस में गुरुत्वाकर्षण वाला जो केस में है mgh/T होता है, तो mgh/T, तो P बराबर m कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, g 10 है, और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा 10 या 9.8 लेकर आप बना सकते हैं, यही मान है जो फिक्स रहता है इसका, और h है जो आपको कितना दिया हुआ है 373 है बटा समय 1800, कैंसिल कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो मर गया, 18 गुने 36 दो, और 373 गुना 2 होता है 746, 746 है ना, 7 × 6 = 14, 3 × 6 = 7, 1 HP का, ठीक है, वो मोटर है जो 1 HP का है, जो इस तरह से कार्य जो कर रहा है, मतलब काम के आधार पे आप बता सकते हैं कि मोटर है जो कितना HP का वो है। चलिए कुछ एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, और जो क्वेश्चन है अगर चेंज कर देते हैं, अगर ऊर्जा खपत से संबंधित चीज रहेगा, और हम लोग क्या बिल आता है, बिजली बिल देखते हैं, बिजली बिल आया, उसमें लिखा हुआ रहेगा यूनिट के बारे में, विद्युत ऊर्जा जो खपत, जो एक बिल आता है हम लोग के यहाँ हर एक महीना आता है कि कितना यूनिट का आप खर्च किए हैं, ठीक है, उसे भी आप आसानी से घर पर भी निकाल सकते हैं, और जो विद्युत ऊर्जा खपत है वो होता है किलोवाट आवर में, किसमें होता है, किलोवाट घंटा में होता है, और यही होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, है ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बोल दिया जाता है इसी को, तो कहिएगा सर ये 1 किलोवाट घंटा क्या चीज है, एक नया टर्म है, तो समझा दीजिए, पहले इसको समझाते हैं, तो क्या यहाँ पे है, देखिए पावर P बराबर होता है W/T, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला ही होता है कार्य बटा समय, लेकिन शक्ति कार्य जो बनता है वो ऊर्जा से बनता है, क्योंकि बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, तो कभी ऊर्जा और कार्य आपस में इंटरचेंज भी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक ही चीज है, उसका मात्रक भी देखिए, कार्य का मात्रक जूल है, उसी तरह से ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, बीमा भी देखिएगा तो बीमा भी एक समान का है, और परिभाषा भी देखिएगा तो लगभग मिलता जुलता परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता
को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। उसी आधार पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डब्लू हम नहीं लिख रहे हैं, डब्लू नहीं लिख रहे हैं, और डब्लू के बदले हम क्या लिख दिए हैं, क्या लिखे, ई लिखे, ई बटा टी। इसी को आप लिख सकते हैं पी बराबर ई बटा टी, है ना, इसी को लिखे हैं। आप ऊर्जा खपत के बारे में बता रहे हैं, इनर्जी का, तो इनर्जी बराबर पी इंटू टी होगा। अब यहीं से पी इंटू टी से निकल गया, ये जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी को आप बड़ा जब बनाइएगा, इसी को आप क्या कीजिएगा, बड़ा, तो यहाँ पे किलो वाट कर सकते हैं ना, 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है, तो किलो वाट कर दिए, और सेकंड को फिर तो क्या करना होगा, घंटा, तो किलो वाट घंटा है जो विद्युत ऊर्जा खपत का क्या होता है, इकाई होता है, और इसी 1 किलो वाट घंटा को ही 1 यूनिट कहा जाता है। तो इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन है, उसे कर लीजिए। क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपके घर में है जो 5 पंखा है, ठीक है, 5 वो पंखा है, और गर्मी के मौसम में पंखा की अनुभूति बहुत अच्छी तरह से होता है, तो 5 पंखा है, वो पंखा है जो 100 वाट का है, ठीक है, प्रायः 100 वाट का नहीं रहता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 100 वाट का वो पंखा है, और 5 पंखा है, डेली आप 5 घंटा इस्तेमाल करते हैं, तो 1 महीना में आप कितना शक्ति का उसमें खपत कीजिएगा, कितना वाट खपत कर लीजिएगा, है ना। और एक चीज और दिया हुआ है, सरकार है जो अपना यूनिट के हिसाब से रेट तय कर लेता है, ठीक है, 1 यूनिट यदि खपत किए हैं तो 2 रुपया, मतलब 1 यूनिट का जो चार्ज है वो 2 रुपया है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। आपको बनाना है कि आपको कितना है जो अपने पॉकेट से पैसा देना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का 5 पंखा 5 घंटे तक, 5 घंटों तक प्रतिदिन चलता है, या प्रत्येक दिन चलता है, तो माह के अंत में कितना बिजली बिल देना होगा, यदि 1 यूनिट बराबर 2 रुपया, यदि 1 यूनिट बराबर 2 रुपया, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा, इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि कितना यंत्र लगा हुआ है, तो यंत्र की संख्या या मशीन की संख्या, यहां पे यंत्र की संख्या गुना, है ना, यहां पे कितना यंत्र है, तो 5 वो यंत्र है, 5 मशीन है, गुना बाट में, है ना, कि जो खपत हो रहा है, पंखा कितना खपत कर रहा है, वो किसमें चर्चा करना चाहिए, बाट में, गुना बाट, गुना कितना घंटा का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप डेली देख लेंगे कि 5 घंटा का कुछ इस्तेमाल कर रहा है, गुना घंटा, और गुना कितना दिनों तक, है ना, कितना, क्योंकि बिजली बिल आएगा तो महीना में ही आएगा, कितना दिनों का, तो गुना आपका माह, और बटा आपको 1000 करना होगा। अब कहिए सर 1000 क्यों करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया गया है 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट, है ना, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, अर्थात 1000 वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, तो ये हम 1000 है जो उससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका यूनिट है जो निकल के आ जाएगा, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट। चलिए क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है,
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यह फिर पंखा कितना है, तो 5 है, तो 5 गुना कितना वाट का है, तो 100 वाट का है, प्रत्येक पंखा जो 100 वाट का है वो कर दिए। उसके बाद घंटा, तो घंटा भी आपका है 5 घंटा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद महीना, कितना महीना तक चलता है, कितना महीना तक ये चलेगा, तो एक महीना, और एक महीना जब दिया हुआ है, माह दिया हुआ है, तो माह में आप 30 दिन ही प्रायः लेकर बनाइएगा, है ना, महीना 30 दिन का ही प्रायः होता है, और बटा क्या कर दीजिएगा, तो 1000 से भाग दे दीजिएगा, इससे आपका यूनिट निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसको कैंसिल कीजिए, 10 से 10 मर गया, 20 से 20 मर गया, तो टोटल कितना बचा, 25 और 25 किए 75, तो कितना यूनिट हो गया, ये 75 यूनिट हो गया आपका, 75 यूनिट हो गया, है ना, ये 75 यूनिट हो गया, और 75 यूनिट तो हो गया, लेकिन एक यूनिट का दाम है जो 2 रुपया है ना, तो आपको जो पे करना होगा बिजली बिल 75 और गुना कितना कीजिएगा, 2 बराबर 150 रुपया, 150 रुपया आपको पे करना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू।